हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो करंट अफेयर का अपना मुद्दा चल रहा था, उसमें हमने अगस्त 2022 को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट 20 टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं, विश्वास करिए बहुत है। अगर कुछ ज़्यादा कम होगा तो उस पर भी अपन बात करेंगे। मान लीजिए 20 से ज़्यादा टॉपिक मिलते हैं किसी महीने में, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। उससे कम मिलते हैं तो उसको भी कंसीडर करेंगे। टॉप 20 बस एक टैगलाइन है इस सेशन का, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग बात करेंगे जुलाई मंथ में क्या आया था। देखिए, ये जो कंपाइलेशन है आपको एज इट इज़ बनाना है, विश्वास करिए आपका प्रीलिम्स में ना आपको ज़बरदस्त मजबूती देगा, इस बात की गारंटी कह रहा हूँ। लगभग 400 से 500 हमारे पास हो जाएगा। लगभग 2 साल का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट होगा, तो इतने जो पॉइंट होंगे उसमें विश्वास करिए आपका पूरा पूरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे से कवर होगा। ठीक है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। एक नया ऑर्गेनाइजेशन है तो काफ़ी पुराना, लेकिन नज़रों में पहली बार आया है, तो ध्यान रखना है इसको। IMO यूनाइटेड नेशन का ही है, एक UN का ही अंग है ये। इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, बात को ध्यान रखना है। देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग प्रवासी होते हैं, मतलब किसी घटना की वजह से जो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनको प्रवास कहते हैं उसको। तो वो लोगों को क्या होता है कि उन लोगों का जो देखभाल करने की जिम्मेदारी है वो यूनाइटेड नेशन ने इस संस्था को दे रखी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ही अंग है। भारत सहित 174 देश इसमें शामिल हैं, इसके 8 पर्यवेक्षक देश हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो मूल नाम है वो है प्रोविजनल गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेट्स फ्रॉम यूरोप। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नाम है, ये शुरुआत इसकी ऐसी ही की गई थी, इसी नाम से की गई थी। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ 1945 में, उसके बाद देखा गया कि बहुत सारे लोग यूरोप से विस्थापित हुए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव उसका यूरोप और जो था यूरोप में ही देखा गया था, किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का। इस वजह से ये कमेटी वहाँ बनाई गई थी, उस कमेटी ने किया, लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बन गया, कब, 1951 में, ध्यान रखना है इस बात को। कार्य क्या है, प्रवास और विकास से संबंधित जितने काम होता है ये देखता है। ठीक, UPSC क्या पता अगर कुछ पूछ ले, ये यही पूछ ले कि प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर मूवमेंट ऑफ माइग्रेट्स एंड फ्रॉम यूरोप, ये किस संस्था से, इसका नया नाम क्या है या किस संस्था से रिलेट है, ऐसे करके हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो हमें यूनाइटेड नेशन के बारे में जानना ज़रूरी है एज अ UPSC स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, किसको लेके, भूजल को लेके। तो वो जो रिपोर्ट है उसको हम लोग कुछ खास इतनी लगी नहीं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना इससे संसाधनों को, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं यार उसको इकोनॉमिक्स में, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, जब हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे ना, ज्योग्राफी में है शायद, वहाँ पे हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे वो सब रिपोर्ट्स का काम होता है। अभी कोई मतलब नहीं है उन रिपोर्ट को यहाँ पे पढ़ने का, एग्जैक्टली वहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, डेटा होते हैं, उनको लेना ज़रूरी था। तो भू जल जो है, मतलब कि जो भूमि के अंदर का जल है, उसमें जो भी बीमारियाँ हो जाती हैं, उसमें जो भी प्रदूषक आ जाते हैं, उससे मानव स्वास्थ्य पे क्या समस्याएं आ रही हैं, उस पे UPSC इन सब पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है इसके प्रभाव पर भी क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए रेडी रहना है। जैसे फ्लोराइड, तो फ्लोराइड क्या है, एक प्रदूषक है, इससे क्या होगा, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा या स्केटलन ना फ्लोरोसिस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, डेंटल मतलब दांत से संबंधित समस्या या हड्डियों से संबंधित समस्याएं फ्लोराइड से हो जाती हैं, इस बात को नहीं बोलना है। अगला मैग्नीज, देखिए मैग्नीज अगर पानी में ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो बौद्धिक विकास है, मतलब मस्तिष्क का जो विकास है, उसकी रुकावट हो जाती है। ठीक है ना, तो बौद्धिक विकास में रुकावट करेगा। अगली बात है आर्सेनिक की, देखिए आर्सेनिक क्या है, ये भी एक प्रदूषक है, अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो हमें
बैक फुट, एक ब्लैक फुट नाम का रोग है वो हो जाएगा, मतलब ये पैरों में ही होता है, सीधी सी बात है ना। आगे विकृत त्वचा, त्वचा में अजीब से क्या हो जाएंगे, एक कह सकते हैं रू सूखा टाइप का रोग हो जाता है, उसको कहते हैं। आगे हृदय और फेफड़ों की बीमारी, सीधी सी बात है आर्सेनिक ज़्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, और पानी जहाँ जहाँ जाएगा जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, यहाँ पर कैंसर की भी बीमारी हो सकती है आर्सेनिक से, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला है यूरेनियम। देखिए यूरेनियम कैंसर का बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, किडनी ये सबसे ज़्यादा असर करता है, सबसे पहले किडनी ख़राब करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेती है, तो इस बात को नहीं भूलना है कि दो बातें जिसमें क्या होगा, कैंसर आ सकता है। लेकिन आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग, ठीक है, और मैग्नीज जो होता है वो बौद्धिक विकास में रुकावट, इस बात को नहीं भूलना है। रीज़न क्या होता है, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा तो ध्यान रखना है। आगे नाइट्रेट, ये ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, तो जो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किससे फैल रहा है, ये फैल रहा है नाइट्रेट से। और एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट से ही थायराइड होता है, ठीक, जिससे पैरों में सूजन आ जाती है, दर्द रहता है, तो ये किससे फैलता है, नाइट्राइड से। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, फ्लोराइड से, डेंटल या स्कटलन फ्लोरोसिस, उसके बाद मैग्नीज से बौद्धिक विकास, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, ये ब्लैक फुट को ध्यान रखना है। आगे यूरेनियम कैंसर हो सकता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम या थायराइड। उसके बाद एक है जिसका नाम होता है PFAS, जैसे देखो PFAS का मतलब ऐसे हुआ, ऐसे सब्सटेंस जो मानव द्वारा निर्मित हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मानव द्वारा निर्मित हैं, मैन मेड होते हैं, जैसे क्लीनर हो गया, आप शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, लेदर यूज करते हैं, तो ये अगर पानी से मिल जाते हैं तो ये पानी को दूषित कर देते हैं। अब आपने नहाया, शैम्पू यूज किया, लेकिन शैम्पू में जो भी केमिकल था वो पानी में गया, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है जल को, तो जल उससे क्या होगा, जो शिशु है या गर्भवती माता है अगर ऐसा पानी वो पी लेती है तो नकारात्मक प्रभाव होगा उस बच्चे पे, उस भ्रूण पे, इस बात को ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रेल बढ़ा देता है आपका, कोलेस्ट्रेल मतलब होता है फैट बढ़ा देगा। आगे थायराइड की समस्या यहाँ भी आएगी, और आपका इम्यूनिटी पावर मतलब जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो जाती है PFA से। इसको हम पर एंड पॉलीफ्लू क्या लिखा है, पॉली फ्लू फ्लूओरिलेकाइल करके कुछ है यार, बहुत लंबा है, बस बात ध्यान रखिएगा, पर एंड पॉली फ्लू और एलकाइल सब्सटेंस एक नाम है इसका, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैन मेड है, ध्यान रखिए जो मैंने समझा दिया बस, ठीक, आएगा तो कर ले जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट नंबर 3, एक है आरडीटी, एनोमल आउटलुक इंडेक्स, ये क्या है, शुष्कता विसंगति आउटलुक। देखिए ये जो सूचकांक आया था ना, ये हमारे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये लाया गया। इसने सबसे अच्छी बात ये कही ना कि जो शुष्कता है, मतलब जहाँ पे सूखे की स्थिति हो रही है उस को ये दिखाता है यह इंडेक्स। तो इसने ये बताया भारत में कम से कम 85% जिले ऐसे हैं ना जो शुष्कता की स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है यार। हम कहते हैं हमारे यहाँ नदियाँ बहुत हैं, लेकिन उसके बाद ये हालात है, बारिश की एक कमी है, क्या है, बस ये मान के चलिए सूखा धीरे धीरे अपने चपेट में सबको ले रहा है। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, ये क्या कर सकते हैं आप, जब भी आप UPSC के आंसर राइटिंग करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं लिखने में, ठीक, जैसे हम जल पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास देखिए दो दो चीज़ आ गई है ना, संदूषक का आ गया कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें फैलने से हो जाएगा, और क्या मिल गया ये, ठीक है, ये जो शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक है IMD द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात इसमें है, जैसे अगर 1 से 25 तक विसंगति है, इनका कोई इंडेक्स है उस हिसाब से ये नापते हैं, तो माना जाएगा हल्का सूखा है, लेकिन 26 से 50 है तो मध्यम, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो माना जाएगा गंभीर सूखा उस जिले में है। तो लगभग 85%, आप सोचिए बहुत बड़ी बात है, कम से कम की बात है, ये मैक्सिमम की बात ही जाने दीजिए, जो शुष्कता की स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। ये एक तितली थी यार, है ना, नज़रों में थी। क्यों इसको मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि मोनार्क तितली है ना। देखिए मोनार्क तितली क्या है, IUCN
है ना, जो ये संस्था है इसने पहली बार इसको संकटापन मतलब संकट की स्थिति में ये प्रजाति आ गई है, उसको पहली बार अपनी लाल सूची में शामिल किया गया है, तो खबरों में रही है। क्या पता अगली बार हमें एग्ज़ाम में मोनार्क तितली दिख जाए, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यूपीएससी क्या करेगा, अगले ऑप्शन में दे देगा कि उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वर्नरेबल ऐसी कैटेगरी में डाला गया, तो कह दीजिए कि ऐसा नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड वर्गीकृत किया है किसने, IUCN में। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, उत्तर अमेरिका में इसका लंबा प्रवास होता है, बस इतनी बात ध्यान रखना है। पूरे विश्व में मिलती है लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर अमेरिका, ठीक है, वहाँ सबसे लंबा प्रवास मतलब सबसे लंबे दिनों तक ये वहाँ रहती है, ठीक। विश्व में मिलने वाली सभी तितलियों के बराबर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि पहली बार इसको लाल सूची में शामिल किया गया, मतलब सीधी सी बात है कुछ ना कुछ समस्या रही होगी। आगे बात करते हैं नंबर 5, हिम तेंदुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये खबरों में रहता है इस वजह से, ठीक। देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो 1972 की जो अनुसूची है उसमें उसके लिस्ट 1 में शामिल है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये IUCN की लाल सूची में है ही, वहाँ वल्नरेबल, ठीक है, मतलब इसकी क्या है, विलुप्ति के स्थान पे है, ये स्थिति इसकी है, ठीक। अगली बात करेंगे पर्यावास, ये क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ मिलेगा ये हमें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित मध्य एशिया के जो पहाड़ी भूभाग हैं, मतलब देखा जाए जो यूरोप का पर्वत है ना, वहाँ से जो हिंदू कुश है उसके आसपास के जितने इलाके हैं, मध्य एशिया के पहाड़ी जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ पे हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 की है, किसके द्वारा ये लाई जाती है, विश्व आर्थिक मंच। इसमें देखिए, ये आप आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं या कहीं भी आप पढ़िए, या महिलाओं के बारे में लिखना शुरू करना है, कुछ भी करना है तो आप ये सब पॉइंट्स वहाँ पे डाल सकते हैं। वर्ष 2022 की बात है, विश्व स्तर पर 68.1 लैंगिक अंतराल समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान था इस रिपोर्ट का कि लगभग 68% हम लोग क्या करेंगे, समानता लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर इसी दर से आगे बढ़ते रहे तो 100% समानता लाने में लगभग 132 वर्ष लगेंगे। तो ये रिपोर्ट बताती है, कौन सी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, नहीं बोलना है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, विश्वास करिए जब भी आप उत्तर लिखेंगे वहाँ इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे आपका उत्तर बहुत बेहतर होगा। एक बात ध्यान रखनी है, भारत जो है वो स्वस्थ और उत्तरजीविता मतलब लाइवलीहुड है ना, कितना जिंदा दिल्ली से लोग जी रहे हैं, ठीक है, तो उत्तरजीविता और स्वास्थ्य उनका कितना बेहतर है, उस पर जो इसका उप सूचकांक था वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बना है, और भारत 146वां स्थान प्राप्त किया है, और जिसके इतने पड़ोसी हैं ना कहीं वो हमसे आगे हैं, जैसे बांग्लादेश 71वें नंबर पर है, देखा जाता है यार हमसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है वो इस चीज़ में। आगे नेपाल, श्रीलंका, भूटान देख रहे होंगे आप इनकी रैंकिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के वैश्विक लैंगिक अंतराल की जो रिपोर्ट है उसके तहत ये कहा गया कि भारत सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है, 146वां स्थान है, इसके तहत देखा जाए तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है और भारत को इस पर काम करना चाहिए। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। एक शब्द मिला मुझे, क्रिप्टो जैकिंग। देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी उठाता है, ऐसे टॉपिक्स पॉइंट्स को उठाता है जो कहीं ना कहीं क्या हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ता हो, ठीक। तो क्रिप्टो जैकिंग है क्या, ध्यान रखिएगा, एक साइबर हमला है, लेकिन इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये जो जानते होंगे आप, क्रिप्टो माइनिंग होती है ना, उसको अवैध रूप से माइनिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, अवैध क्रिप्टो माइनिंग करने में, मतलब जो भी जैसे बिटकॉइन हुआ या बहुत सारी आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है, उनका अवैध रूप से माइनिंग करने में क्रिप्टो जैकिंग का प्रयोग होता है, यह एक टाइप का साइबर हमला है, वायरस और ये सब की बात नहीं करनी है, सिर्फ क्या है, ये एक टाइप का साइबर हमला है, ठीक है, तो होता है ना साइबर क्राइम, तो बस उस बात को ध्यान रखना, वो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेंगे पूरी तरह से, आपने जितना बिटकॉइन रखा है वो सब ले लेते हैं, उसके बाद इलीगल तरीके से कॉइन जो होती है कॉइन की माइनिंग करते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग क्रिप्टो जैकिंग। अगली बात करते हैं, आज का अंतिम पॉइंट है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, एक जानते होंगे आप बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था,
उसकी जगह पे लेगा, ध्यान रखना है, वित्तीय सेवा संस्थान, जिसको हम फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो FSIB का नाम दे रहे हैं। ध्यान रखना ये क्या काम करता है, जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो था वो क्या करता था ना, जितने भी बैंक हैं या जैसे LIC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, ऐसे जितने भी सरकारी बैंक हैं, सार्वजनिक बीमाकर्ता कंपनियां हैं, ये वित्तीय संस्थान हैं, ठीक है। उनके यहाँ जो भी निदेशक होते थे या अध्यक्ष होते थे उनकी नियुक्ति करता था, कौन करता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो। लेकिन उसका क्या कर दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो को ख़त्म कर दिया गया, उसके स्थान पे एक नई संस्था बनाई गई है, नया ब्यूरो बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखना है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। हो सकता है इस बार UPSC में क्वेश्चन मिले, यह जो ब्यूरो होगा वो किसके अंतर्गत काम करेगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत और वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करेगा, वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे ध्यान रखना है कि जो इसका कार्य क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सिफारिश तो करेगा ही करेगा, निदेशक मतलब डायरेक्टर और जो भी मैनेजर होंगे या अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति करने में। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, कॉरपोरेट प्रशासन को बेहतर बनाने में ये क्या करेगा, अपनी सलाह देगा कि क्योंकि जो भी ये संस्था है ये कॉरपोरेट हैं, सीधी सी बात है, बड़े बड़े बैंक हैं और ये बैंक क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये कॉमर्शलाइज बैंक है ना, भले ही सार्वजनिक बैंक हैं, सरकार के हैं लेकिन कॉमर्शलाइज है ना, तो इनका कॉरपोरेट शासन कैसे बेहतर चले। उसके बाद संस्थानों के प्रदर्शन से संबंधित डेटा बैंक का निर्माण करना, एक ऐसा मतलब एक ऐसी संस्था, ये जो संस्था है क्या करेगी, सभी बैंक या बीमा करता है वित्तीय संस्थान जितने हैं उनका एक डेटा बनाएगी, कौन सा कितना बेहतर कर रहा है, कितना बेहतर नहीं कर रहा है ना, सबकी एक सूची, एक लिस्ट बनाएगी, तो उसे डेटा बैंक का नाम दिया जा रहा है। ये सब बैंक ब्यूरो नहीं करता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो, लेकिन ये करेगा। आगे आचार और आचार संहिता का निर्माण करेगा और लागू करने की सलाह भी देगा, किसको, सरकार को, मतलब वित्त मंत्रालय को देगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सब का क्या करती है, चुनाव करती है, उनको शामिल करती है, तो ये क्या करेगा, उन सब को क्या देगा भाई, बोलिए ना, इन सब को देगा क्या, अपनी सलाह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था रही है, क्रिप्टो जैकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, मोनार्क तितली है ना, काफ़ी अच्छी रही, हिम तेंदुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, ऐसे ही UPSC में पेपर आता है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके ना सिर्फ करंट अफेयर के पीछे पागल मत होइए। हाँ, पढ़ना है तो बढ़िया से एडिटोरियल्स पढ़िए, जहाँ पे दिमाग आपका विकसित करेगा, प्रीलिम्स के लिए उतना भागदौड़ नहीं करनी जितना करा रहा हूँ, बस इतना करके आराम से देखना आपके पेपर में चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में हम लोग जुलाई का जितना पार्ट है वो मतलब जो भी पॉइंट्स और आएंगे वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, बस पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।